इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के शुरू होने से पहले मेगा ऑक्शन होने वाले हैं और 30 नवंबर तक सभी टीमों को रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो कप्तानी छोड़ चुके विराट कोहली इस बार भी अपनी टीम के साथ ही रहेंगे। एक खबर के मुताबिक आरसीबी विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करने का मन बना चुकी है। हालांकि आरसीबी का कप्तान कौन होगा अभी इस पर विचार चल रहा है। बता दें कि कोई भी टीम कुल 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। इनमें अधिकतम 3 भारतीय खिलाड़ी और 2 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। कुल रिटेन किए गए खिलाड़ियों की संख्या 4 ही हो सकती है, जबकि इसके लिए 42 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। विराट और ग्लेन मैक्सवेल के अलावा युजवेंद्र चहल, देवदत्त पड्डीकल जैसे खिलाड़ियों को रिटेन करने पर विचार कर सकती है। वहीं एबी डिविलियर्स पहले ही क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास की बात कह चुके हैं। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कोशिश होगी कि वह एक ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में लें जो कप्तानी कर सके, क्योंकि विराट कोहली अब कप्तानी छोड़ चुके हैं। ऐसे में एक नए कप्तान के साथ टीम को आगे बढ़ना होगा। केएल राहुल भी पंजाब किंग्स को छोड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में अगर बेंगलुरु की टीम राहुल को अप्रोच करती है तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि केएल राहुल भी कर्नाटक से ही आते हैं, लेकिन उनके लखनऊ टीम के साथ जुड़ने की अटकलें लगाई जा